एनसीएल जयंत के सीएचपी बैंकर में गिरकर जयंत निवासी मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने नेहरू अस्पताल में किया हंगामा। सिंगरौली, आपको बता दें कि एनसीएल जयंत के सीएचपी में कार्य कर रही संविदा कंपनी में कार्यरत मजदूर की आज सीएचपी बैंकर में गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पटवारी नामक युवक उम्र 25 वर्ष निवासी सीधी हाल मुकाम जयंत संविदाकार पुष्पराज सिंह के यहां कार्य करता था। आज गुरुवार दोपहर 12 बजे कार्य के दौरान सीएचपी बैंकर में गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। आनंद फानंद में उसे साथी कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा नेहरू अस्पताल चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। मामले की लीपापोती करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा उसके शव को वहां से चिकित्सालय ले जाया गया। हालांकि मृतक के परिवार को एनसीएल प्रबंधन के द्वारा नियमानुसार खान अधिनियम के अंतर्गत इंश्योरेंस के 15 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने की बात कही गई है। मामले की सूचना पर पहुंची जैन चौकी पुलिस ने सब को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कराया तथा अंत परीक्षण कराकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हादसे के बाद नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में मृतक के परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। परिजनों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को नौकरी तथा उचित मुआवजा दिया जाए। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली बैरन व विन्नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीएसपी देवेश पाठक द्वारा काफी देर तक समझाइश देने के बाद परिजन शांत हुए। लाखों खर्च के बाद भी नहीं लग रही दुर्घटनाओं पर लगाम। एनसीएल की खदानों में आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहने को तो हर साल लाखों करोड़ों रुपए एनसीएल द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए खर्च किए जाते हैं, परंतु जब हादसा हो जाता है तब सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाती है। एनसीएल द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बाकायदे सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया गया है। सेफ्टी डिपार्टमेंट की अनदेखी का ही परिणाम है कि इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं।